press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और इस वीडियो में वो बात करेंगी कि क्यों बीजेपी बड़े बड़े स्टेट्स में अपनी इंपॉर्टेंट सीटों को हार गई। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आप एक तरफ 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करवा रहे हो, और दूसरी तरफ आप पूरे देश में महिलाओं का प्रचार कर रहे हो, महिलाओं को इतना सर मत्थे बैठा रहे हो, और पश्चिम बंगाल में आपको रो मर करके सिर्फ 3 महिलाएं मिली टिकट देने के लिए। इसके अलावा महिला नेत्री नहीं थी क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? आप सोचिए। अब क्या हो गया है कि मुझे, मेरे पास सुबह 7 बजे से मैं डिबेट पर भी हूँ, एग्जिट इस पर, काउंटिंग पर, और कंटिन्यू फोन भी आ रहा है कार्यकर्ताओं का, दीदी मारने आ रहा है, दीदी काटने आ रहा है, दीदी FIR हो रहा है, दीदी पुलिस उठाने आ रहा है, दीदी ये हो रहा है, दीदी वो हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने तो सबको कहा है कि बेटा शुभेंदु अधिकारी के घर चले जाओ, वहां जाकर के अपने आप को सेफ फील करवाओ, राजमाता के महल में घुस जाओ और दरवाजा बंद कर दो, बोलो राजमाता को कि तुम्हारे लिए खटे थे, अब तुम्हारे लिए पिटने की बारी आ चुकी है और जेल यात्रा करने की बारी आ चुकी है, तो अब राजमाता बचाए। क्योंकि भाई 3 महीना सबने TRP ली, 3 महीना सबने कहा, सबने अपने अपने आप को, भाई अभी अभी तो हम महारानी बने हुए हैं, अभी तो हम क्वीन बने हुए हैं, अभी तो हम फलाना बने हुए हैं। तो भाई जब आपने आप हरा दी पार्टी के साथ साथ आपने कार्यकर्ताओं के विश्वास को भी हराया है, तो अब उनको बचाने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है ना। उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी कैसे हो सकती है? हमारी तो नहीं हो सकती है। हमें जो काम मिला था, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, हमने वो निभाया है, और 100% ही निभाया है। भाई एक साल में 1307 डिबेट मैंने किया है, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुझे जो राज्यों में भेजा गया, मैंने वो राज्यों में जाकर के अपनी जिम्मेदारी निभाई। अभी देखिए, मैंने झारखंड में महतो जी का मैंने कंपेनिंग किया था, 1,41,000 से जीत गए। माधवी लता जी की कंपेनिंग में मैं गई थी, असदुद्दीन अवैसी को वो कांटे का टक्कर दे रही है, असदुद्दीन अवैसी जो 40 साल का गढ़ था। महाराष्ट्र में गई थी, महाराष्ट्र मैंने जहां जहां पैर रखा है वहां वहां जीता है कैंडिडेट। पश्चिम बंगाल में मुझे जैसे ही बोला गया, मैंने कहा ना बाबा, पश्चिम बंगाल कंपेनिंग में नहीं करूंगी। क्योंकि होता क्या है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, क्या होता है कि जब पहली बार 2021 में मैं बहुत कंपेनिंग किया था, मैं काउंट नहीं कर सकती, सबसे ज्यादा कंपेनिंग में मैं ही चिल्लाई थी 2019 और 2021 विधानसभा का, जब मेरे ऊपर FIR हुआ और 200 से ज्यादा पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आई, तो यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हाँ हाँ वो तो प्रोस्टिट्यूट थी, मैंने आपसे इस बारे में डिस्कस किया भी था, हाँ हाँ वो तो TMC से जुड़ी हुई थी, हाँ 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 वो तो TMC पार्टी ऑफिस से अरेस्ट हुई है, जबकि मैं अपने घर से अरेस्ट हुई थी। और उसके बाद मैं चले भी आई बेल लेकर के, वो भी लोअर कोर्ट से, ना मुझे अपर कोर्ट जाना पड़ा, ना मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, ना मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फेक और फैब्रिकेट केस था, तथ्यों के आधार पर मुझे तुरंत बेल मिल गया। तो इनके सही चरित्र को मैंने तब देख लिया था कि ये खटाते जरूर है पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता, लेकिन जब हम विपद में पड़ते हैं तो ये सीधा कहते हैं नहीं वो तो TMC की दलाल थी। और वहीं पर आप देखिए दीदी का हिम्मत, ममता बनर्जी का, कि उसके नेता नोट के पहाड़ के साथ और सोने के खान के साथ भी अरेस्ट हो जाते हैं, फिर भी वो बोलती है नहीं वो मेरा ही आदमी है। अरविंद केजरीवाल का गार्ड मार करके, पीट करके थूर दिया स्वाति मालीवाल को, फिर भी अरविंद केजरीवाल उसके समर्थन में ही रहा। तो भाई ऐसे नेताओं के लिए तो मर के कट जाने का भी दिल करेगा ना, कि भाई वो मेरे अच्छे वक्त में भी साथ रहता है, मेरे बुरे वक्त में भी साथ रहता है। देखिए पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, 3 लोगों ने मोदी जी को धोखा दिया है, मोदी जी को धोखा दिया है। पश्चिम बंगाल के अमिताभ चक्रवर्ती, जगन्नाथ मंडल और मुकुल रॉय 2.0 ने
बहुत बड़ा घपला और टीएमसी के साथ मिल करके पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की साजिश की है। ये है फैक्ट। जनता उब चुकी थी। अब आप सोचिए ना, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जहां पर इतने स्कैम हो रहे हैं, मांस बलात्कार हो रहे हैं, हर दूसरे दिन एनआईए और ईडी आ रहा है और नेता अरेस्ट भी हो रहा है, बेल भी नहीं उसको मिल रहा है, ओबीसी सर्टिफिकेट का घोटाला पकड़ा रहा है, एसएससी स्कैम का घोटाला पकड़ा रहा है, उसके बाद भी ममता बनर्जी को जनता वोट कर रही है। अरे क्यों वोट कर रही है ये भी तो समझो, क्योंकि तुमने कैंडिडेट अच्छा नहीं दिया। और तीन लोग, मैं फिर से नाम ले रही हूं, अमिताभ चक्रवर्ती, जगन्नाथ मंडल और मुकुल रॉय 2.0 टीएमसी का होकर के काम किया है। जनता तैयार थी बीजेपी को वोट देने के लिए, जनता तैयार थी मोदी जी को समर्थन देने के लिए, जनता तैयार थी यहां पर 25 सीटें लाने के लिए, जनता बिल्कुल मन बनाई हुई थी। लेकिन ये तीन लोगों ने दीदी को खुश करने के लिए अपना ईमान, अपना और जनता का और कार्यकर्ता का विश्वास बेच दिया। और मुझे लगता है कि अगर अमित शाह जी वाकई में चाणक्य बुद्धि हैं, तो ये मुकुल रॉय 2.0 के ऊपर ऐसे ही बहुत कुछ चल रहा है, ईडी का, सीबीआई का, अपने आप को बचाने के लिए पिछाड़ लेकर के बीजेपी में चला आया है। मुझे लगता है इमीडिएट उठा करके इसको जेल में भेजना चाहिए, इमीडिएट। द थर्ड थिंग इज कि विद इन वन वीक अमित शाह जी को ये जितने लल्लू पंजू बैठे हुए हैं, ये जितने दल्ले टीएमसी के बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का मुखड़ा पहन करके, इनको इनका हिजाब उठा करके इनको धक्का मार के निकालना चाहिए। और अमिताभ चक्रवर्ती से पूछना चाहिए कि तुम ऑर्गेनाइजेशनल हेड बन करके बैठे थे, आरएसएस की लिस्ट को तुमने कचरे के डब्बे में फेंका कैसे? कैसे फेंका? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे? आपको पता है जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ मंडल और भास्कर घोष, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता है भाई, मुकुल रॉय 2.0 के साथ घूमते फिरते रहते हैं। ये दिल्ली जा करके अलग अलग नेशनल न्यूज के गेस्ट हाउस में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों का कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं। दिल्ली से जो टीम आईटी की आई हुई थी ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, उस टीम की महिलाओं को जगन्नाथ ने ये किया है, अप्रोच किया है इंटीमेट रिलेशन के लिए। एंड आई हैव प्रूफ। मैं चाहती हूं कि जगन्नाथ मंडल अगर ये न्यूज सुन रहा है तो काइंडली तुम मेरे ऊपर केस करो, ताकि मैं कोर्ट को सीधा वो सारे प्रूफ दूं और वो सारी लड़कियों को खड़ा कर दूं जिसको जिसको तुमने सेक्स के लालच में पैसा देने की कोशिश की थी। बेड़ा गर्क हो गया टीएमसी का। मेहनत हमने किया, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे न्यूज पर हम बैठे रहे, हमने अपने अपने आप को 55 केजी से कर लिया 51 केजी का, रंग हमारा खराब हुआ, हमारी हमारी जिंदगी नष्ट हुई, हमने ना ईद मनाया, ना बकरीद मनाया, ना दुर्गा पूजा मनाया, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 11-11 घंटे हम चीखते चिल्लाते रहे, पैराशूट से कोई कोई कैंडिडेट आया और उसके बाद फिर वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से। दीदी इसका एक है ना डिटेल्ड एनालिसिस हम आराम से करेंगे, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से आपने बकियां उधेड़ी हैं वो बता दिया कि बीजेपी को झटका क्यों लगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के ऊपर तक जब ये आवाज़ जाएगी तो हो सकता है एक बार, अब पहले तो कान पे जूं तक ना रेंगती हो, अब कहीं ना कहीं ये बताएगी कि भाई असलियत में असली वाले गद्दार कौन है। क्योंकि मोदी को मोदी के खुद के नेताओं ने हराया, बीजेपी को बीजेपी ने हराया, विपक्ष ने नहीं। इस चीज के मैं ऊपर में एक डिटेल डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे सच में। मैं तो चाहती हूँ कि वो डिस्कशन तो है ना हरि भाई, वो डिस्कशन 1 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि मैं पंक्तियां ऐसी खोलूंगी ना कि मोदी जी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आकर आपको नेता अपने भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं मिल रहा है, आपको कांग्रेस से लेकर आने की क्या जरूरत है, आपको टीएमसी से लेकर आने की क्या जरूरत है। और जो लोग आधी आधी जिंदगी जवानी से बुढ़ापा ले आए हैं दूसरी पार्टी में, वो आपके वफादार कैसे हो सकते हैं? तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा
नाजिया खान जी ने काफी बेबाकी और बेखौफी से आपको ये बताया कि बीजेपी जो इंपॉर्टेंट सीट आ रही है उसके पीछे क्या कारण थे। उसके पीछे कारण सिर्फ कैंडिडेट्स गलत चुनना नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल में जहां पे बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो टीएमसी की बी टीम बनके ही काम कर रहे थे, जिसके बारे में नाजिया खान जी ने काफी अच्छे से एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि बीजेपी के हारने के और क्या बड़े इंपॉर्टेंट कारण रहे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।